गडकरी ने सीआरपीएफ जवानों के साथ साधा संवाद। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल के ग्रुप सेंटर हिंगणा में पहुंचकर जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों व उनके परिवार के सदस्यों के साथ संवाद भी साधा। पर्यावरण संवर्धन की दिशा में सेंटर की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की। वहीं सीआरपीएफ ने 45,000 वृक्षारोपण का लिया संकल्प। नितिन गडकरी ने कहा कि सेंटर में वृक्षारोपण व जल संवर्धन का कार्य बेहतर ढंग से किया है। सीआरपीएफ ने 45,000 वृक्षारोपण का संकल्प लिया है, इसका अभिनंदन करना जरूरी है। गडकरी ने सीआरपीएफ कैंप परिसर में आयोजित शहीद हिंगोले गंगाराम किशन कॉरपोरेटिव शॉप का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ये बात की। समारोह में सीआरपीएफ के डीआईजी प्रशांत जांभुलकर, हिंगणा के विधायक समीर मेघे व महापौर दयाशंकर तिवारी प्रमुख रूप में उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि वीआईपी लोगों के सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवाने भूखे प्यासे तैनात रहते हैं। सीआरपीएफ जवानों को भी टोल नाके पर छूट मिले, इसके लिए प्रयास करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि ग्रीन नागपुर का सपना साकार करने के लिए नागपुर को जल, वायु व ध्वनि प्रदूषण से दूर रखने की भी जरूरत है।